फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हम तीन एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं, यानी थ्री एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम जो कंप्लीट करने वाले फोर्थ एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आपका जो कॉन्सेप्ट बढ़ा है वो केवल बढ़ा है यूनियन और इंटरफेस। यूनियन क्या होता है? देखिए, यूनियन होता है ए एंड बी, और उन दोनों के एलिमेंट को कलेक्ट करके एक जगह लिखने को हम यूनियन कहते हैं। उन दोनों से अगर हमें कोई चीज कॉमन मिल रही है तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। चलिए इसी बात को हम देख लेते हैं आप बोर्ड पर। देखें, हमारे पास यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन की बात यहाँ करने वाले। देखिए, पहला सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि आप समुच्चय युग्म का सम्मिलित ज्ञात कीजिए। समुच्चय युग्म का सम्मिलित से ही आपको पता लग रहा है, सम्मिलित का मतलब होता है इकट्ठा करना है, या यूनियन कह लेते हैं। यूनियन कह देते हैं इसे भाई, क्या कह देते हैं? यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब एक साथ लिखना। क्या होता है? एक साथ लिखना। क्लियर? यूनियन का मतलब होता है एक साथ लिखना। अब एक साथ किस तरीके से लिखा जा सकता है? देखें, मैं बताता हूँ। पहले सेट को देख लेते हैं। पहला वाला सेट क्या? आपके पास x है और यूनियन का साइन होता है ये भाई, u, उल्टा करके u बना दीजिए आप इस तरीके से, और इंटरसेक्शन का होता है उल्टा u बना दीजिए। तो जो u होगा वही यूनियन होगा। तो x यूनियन y ज्ञात करना है। x यूनियन y ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक साथ लिखना है, यानी कलेक्ट करके। बट कंडीशन ये है कि आपको उसमें एक एलिमेंट एक ही बार यूज करना है, सेकंड टाइम यूज नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे 3, 5, ठीक है। अब सेकंड में 1 भी है तो 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं है तो 2 ले लीजिए, और 3 है 3 नहीं लेंगे। तो ये आपके पास एलिमेंट रहेंगे, और इन्हें ही हम कह सकते हैं ए यूनियन बी। अब आप सिक्वेंस से लिख दीजिए आगे, एक के बाद 2 आता है तो वो आप उसमें एलिमेंट की प्लेस को आप रख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यूनियन हमारे पास वही है कि एक एलिमेंट को दूसरे के साथ लिखना। क्या करना? एक एलिमेंट को दूसरे के साथ लिखना, बशर्त उसका प्लेस एक बार में फिक्स होना चाहिए। एलिमेंट दोबारा आ रहा है तो आप उसे दोबारा लिख दें, नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये होते मान लीजिए 2 सेट आपके पास है और दोनों से कुछ चीजें उन कॉमन लेने की जो ठीक है। तो हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ए है, ए आई, देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और बी आपके पास है ए बी सी। बी आपके पास है ए बी सी, तो मैं यहाँ इसको करूंगा क्या, ए यूनियन ऑफ बी। तो ए यूनियन ऑफ बी निकालेंगे तो क्या होगा? देखो, पहले ए ई आई ओ यू, यानी पहले वाले को लिख लीजिए पूरा, ए ई आई ओ और ये U, E I U U हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है हमारे पास? U बना दीजिए यहाँ पे। सेकंड वाला है आपके पास A B C, क्लियर? ये सेकंड वाला। जब आपके पास दो चीजें ये हो चुकी हैं तो देखें, अब मैं क्या, A E I O O U, ये तो ये पूरा हो गया, ठीक है ना। ए आई ओ यू तो हो ही गया। अब ए आई ओ यू के साथ हमारे जो बाकी के एलिमेंट है, देखो बी और सी इसमें नहीं है, ए तो है तो ए को नहीं लिखूंगा और बी और सी को लिख दूंगा, देन आपका आंसर होगा आपका ए यूनियन बी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आपके थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम भाई। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है? ये कह रहा है कि ए एक्स सेट, यानी ए कोई सेट है, पहले तो ए सेट बना लीजिए। ए सेट क्या बन रहा है आपके पास? ए एक्स सेट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणा है। 3 का गुणज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखें, 3 का गुणज होने के लिए आपको करना है पड़ेगा 9, 12 और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, यानी कि एक सेट ये बना। बी 6 से कम प्राकृतिक संख्या, बी क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 जब 6 से कम है तो ये हो गया, ठीक। अब हमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप इसे ए यूनियन बी निकालिए। तो भैया ए यूनियन बी लूंगा तो देखें, 1, 2, 3 है, यस, 4 और 5, 5 के बाद
छ नौ और डॉट 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 इस तरीके से चलेगा, यानी तीन के गुणज चले। ठीक, तो ये रहेगा आपका ए यूनियन बी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यह है। चौथे क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं, वही ऊपर चौथा वाला क्वेश्चन आपका यहाँ देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि x of that x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 के इक्वल भी है, यानी मैं a बना लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 के बराबर भी कह रहा था। ठीक है, ये 6 हो गया। अभी b मैं देख लेता हूँ, b क्या है मेरे पास, b मैं देख पा रहा हूँ तो b होगा मेरे पास, ठीक है, b की कंडीशन में देखेंगे तो हमारे पास है 6 से बड़ा, क्या होगा 6 से बड़ा, 6 बराबर नहीं है तो 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7, 8, 9, 10 से छोटा और 6 से बड़ा, तो 7, 8, 9 होगा। जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए यूनियन बी आने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही आपका आंसर होगा ए यूनियन बी। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए यूनियन बी कह रहा है तो ए यूनियन ऑफ बी डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि फाई हर एक का सबसेट होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। देखें इसमें मैंने ये सॉल्व करके आपको दे रखा है कि आप इसे लिख सकते हैं एक्स, इसमें दे रखा है कि एक्स यूनियन वाई, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, ये पहला वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है, तो पहला वाला सॉल्व करके दे रखा है। ठीक, तो यही हमारा आंसर था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी सेकंड वीडियो में हम देख पा रहे हैं इसको, सेकंड में क्या करना है, इसमें देखो फाई आ रहा है तो फाई के साथ इसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सबको इंक्लूड करके लिखना होता है 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, फाई की बात है तो फाई सबके अंदर होता है, सबसेट होता है सबका, तो फाई को हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, और चाहें तो आप लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फाई एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, और फाई सबके अंदर बिलोंग करता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, तो फाई एक ऐसा समुच्चय है जो प्रत्येक का उप समुच्चय भी। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, देखिए एक है, मान लीजिए कि आपके पास ए इक्वल्स टू ए है, ए इक्वल्स टू ए बी है, बी इक्वल्स टू ए बी सी है, और ये कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी है, यानी ए सबसेट ऑफ बी है, तो सबसेट की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, ए बी सबसेट है, ये कंडीशन आपके पास है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में है, क्या है, बी में है, जब ए के सभी अवयव बी में है, क्या ए के सभी अवयव बी में है, तो जब देखिए ध्यान देना, a बराबर a और b है, क्लियर, और b बराबर है मेरे पास a b c है, क्लियर हो गया, दो चीजें हो गई। अब वो कह रहा है कि a सबसेट है b का, क्लियर, यानी a के सभी एलिमेंट काय में है, b में ऑलरेडी है, तो वो ये कह रहा है a यूनियन b बताइए, a यूनियन b बताइए, जब मैं a यूनियन b लिखूंगा, a यूनियन b का मतलब ये है कि दोनों को कंबाइन करके लिखिए, और एक कंडीशन उसने कह दी है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो यहां पर आपके पास जो आने वाला बी आएगा, आपका आंसर क्या होगा, बी आंसर। अब इसको आप कहेंगे कैसे, तो देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, ए बराबर मैंने लिया 1 और 2, यानी ए और बी की जगह पर, और बी बराबर मैंने लिया आपके पास, बी बराबर लिया, देखिए बी बराबर क्या लिया, 1, 2, 1, 2, 3, क्लियर। अब मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं कि ए सबसेट है बी का, देखिए सबसेट का मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट बी में, क्लियर, तो अब मैं इसका यूनियन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूनियन लिखूंगा, ए यूनियन बी लिखूंगा, तो बी के अंदर देखिए सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो सारे एलिमेंट लिखूंगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3, जब 1, 2, 3 हो गया आपके पास, तो देखिए कंडीशन तो यहाँ पर मिल गई ना, ये तो बी के इक्वल ही था, ये बी के इक्वल था, तो क्वेश्चन आंसर हो गया आपका बी, ये आंसर है आपका भाई, ये आप ध्यान रखिए, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास क्या है, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें ए
सबसेट है बी का, तो देखो सेम क्वेश्चन करके चुके हैं भाई, ए यूनियन बी सबसेट है इसका, सेम क्वेश्चन, तो भाई इसका आंसर आने वाला है बी। प्रीवियस क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन तो नहीं लिख दिया, नहीं क्वेश्चन अलग अलग है, सेम है। तो देखो यहाँ पर आंसर आने वाला है आपके पास ए यूनियन बी का, इसका आंसर आने वाला है आपका ए बी सी, क्लियर। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, बिकॉज बिकॉज का मतलब होता है भाई क्योंकि, क्योंकि क्योंकि ए सबसेट है बी का, ओके। यहाँ भी इस कंडीशन को लिख भी सकते हैं, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा भाई देखें आप, इसमें बहुत सारे पार्ट आपको दिए गए हैं और बहुत सारे पार्टों को मैं एक ही बार में आगे से सॉल्व करता चलूंगा। ए यूनियन बी देखें, ए यूनियन बी पहला पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, पहला पार्ट का मतलब ये है ए यूनियन बी, तो आपको लिखना कुछ नहीं है। देखिए ऊपर देखना है कौन कौन से नंबर हैं, एक दो तीन चार पहले में है, तो ए लिख लीजिए एक दो तीन और ये चार। अब बाकी देखिए सेकंड पार्ट में कितने हैं, तीन चार पाँच छः, तो पाँच छः इसमें नहीं है, पाँच छः लिख दीजिए। मैंने बोला था कि एक एलिमेंट एक ही बार यूज करना है आपको, सेकेंड टाइम यूज नहीं करना है। दूसरा आपके पास है क्या, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आप देखेंगे तो एक हो गया, एक दो तीन चार, ठीक है, और सी कहाँ है, सी है मेरे पास पाँच छः सात आठ, क्या है पाँच छः सात आठ, तो ये आपका हो गया सी, क्लियर, ए यूनियन सी हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड वाला पार्ट क्या है मेरे पास, ए ए यूनियन सॉरी ए यूनियन नहीं, थर्ड वाला पार्ट है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी क्या है हमारे पास, तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच छः, जब तीन चार पाँच छः और पाँच छः उसमें है तो पाँच छः सात आठ देखेंगे, क्लियर। ये अब फोर्थ वाला, फोर्थ वाला है हमारे पास, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को एक साथ लिखना है भाई, देखो एक दो तीन चार तो ये हो ही गया, एक दो तीन चार तो ये हो गया, अब तीन चार इसमें छः ले लीजिए, क्लियर, अब पाँच छः दूसरे वाले में है तो सात आठ, ये आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, यानी कि हमें एक साथ लिखने हैं सभी को, यूनियन का मतलब होता है एक साथ लिखना, बट उसमें कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं होना चाहिए, यूनियन का मतलब ये है भाई, यूनियन का मतलब होता है यूनियन किसी चीज ये एकत्रित का मतलब इकट्ठा होती है, ठीक है, छोटे बड़े लोग सारे के सारे उसमें सम्मिलित होते हैं और एक ग्रुप बनता है, कि आपके पास जो भी नंबर है सबको कलेक्ट करिए और एक ग्रुप, एक ही आइडेंटिटी के दो मेंबर नहीं होने चाहिए, या एक ही आइडेंटिटी के दो मेंबर नहीं होने चाहिए, जो भी मेंबर है उसके अंदर वो अलग अपनी आइडेंटिटी रखता हो, ये इस ग्रुप की डेफिनेशन है और इस ग्रुप को ही कहते हैं हम यूनियन, ठीक है, ओके चलिए बात कर लें। क्या है क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ है, फोर्थ यहाँ कर देते हैं, बी यूनियन डी, बी यूनियन ऑफ डी कर देते हैं, तो बी हमारे पास क्या है, देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, अब यूनियन ऑफ डी, डी क्या हमारे सिक्स, तो सेवन एट नाइन और ये टेन, ये हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ था आपका, ये फोर्थ है, क्लियर। अब हम करते हैं सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि अभी आपके पास सी तक था, अभी डी के साथ करना है, तो डी देखें, ए हमारे पास क्या है, एक दो तीन चार, बी हमारे पास क्या है, तीन चार है पांच छ, अब देखते हैं हमें डी, ये छ है भाई, सिक्स सिक्स है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे साफ करके लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, तो पांच हो गया छ छ, ठीक, ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब हम करते हैं डी की बात, तो देखो डी की बात सात आठ नौ और ये दस, ठीक है, ये रह गया, अब देखते हैं हम छ हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं कुछ किताबी तरीके से आपको करा देता हूँ, ये तो मैंने अपने तरीके से करा दिए थे, आप
यहाँ से आपको फटाक से आपको आंसर दे सकते हैं, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ किताबी तरीका कि किताब में किस तरीके से आपको करने को मिलेगा। देखें सबसे पहला काम आपको मिलेगा कि आपको दिए हुए एलिमेंट को लिखना है कि गिवन है ये तरीके से, और गिवन के बाद आपको लिखना है ए कंडीशन बी यूनियन सी लिख। बी यूनियन सी लिखने के लिए आपको करना ये होगा कि बी के सारे एलिमेंट यहाँ लिखने पड़ेंगे, बी 3 4 5 ठीक है 6 और यहाँ पर ये आपके पास एलिमेंट हो गए बी के। अब यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे आप सी के, तो सी के एलिमेंट हो गए आपके पास 5 6 7 8 इस तरीके से लिख लिया। अब इसके बाद देखें लिखना क्या है, इसके बाद आपको लिखना ये है कि बी यूनियन ऑफ सी बराबर आपके पास क्या आने वाला है, देखें 3 4 5 6 क्लियर, 3 4 5 6 और 3 4 5 6 के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे आप आगे 7 और ये 8, ये आ गया आपके पास ए यूनियन सॉरी बी यूनियन सी आ गया। अब आपके पास हमें लाना क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी लाना है, तो एक पार्ट तो ये निकला। अब यहाँ पे लिखना अगेन है बी यूनियन सी ब्रैकेट में या नहीं लगाओ और डी, कोई दिक्कत नहीं लगाओ या मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ब्रैकेट में। अब बी यूनियन सी तो हमारे पास ये रहा क्या 3 4 5 6 ठीक है 7 और ये 8, भाई ये पेंटम मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है, मैं वहां नहीं पड़ेगा यूनियन ठीक है। अब अगला डी की मेंबर यहां लिख लेंगे 7 8 9 और ये 10 क्लियर, ये डी के मेंबर हो गए। अब हमें इसका आंसर दे देना, आंसर हमारे पास क्या आने वाला है भाई, आंसर आने वाला है हमारे पास, आंसर आने वाला है बी यूनियन सी यूनियन डी ठीक है, इसका आंसर आने वाला है 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 क्लियर, ये आपका आंसर आ गया इस चीज। तो ये है आपका बी यूनियन सी, ये बुक में इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना ठीक है, ये आपका आंसर। और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के दे दिया था सेकंड वाले पार्ट में, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया फर्स्ट इधर साइड में कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको डायरेक्टली देखना है क्वेश्चन को और जो यूनियन लगा के लिख दीजिए। और यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख दिया जाता है, यूनियन का साइन होता है यू क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए क्वेश्चन को उसने अलग कर दिया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही कह दिया कि प्रश्न नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन होता है ये और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन लेना, क्या होता है कॉमन लेना ठीक है, कॉमन लेना बात समझ लीजिए, कॉमन लेने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी नंबर है ये एक साइन है इंटरसेक्शन ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन लेना। मान लीजिए कोई दो पहले से कोई दो सेट हैं और उन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वही आप, जैसे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन लेता हूँ, पहला वाला क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ऑफ वाई A intersection of y का मतलब यह है कि आपको पहले सेट में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1 है 2 नहीं है ठीक है और 3 है, तो आपका आंसर होगा 1 और 3, जो आपको कॉमन दिखेंगे वही आपके आंसर रहेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि A intersect of B, क्या A intersect of B, A intersect of B की बात करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, A E I O U था उधर और ए बी सी था, तो ए केवल आ रहा है ए, तो ये आपका आंसर होगा ठीक। अब तीसरे वाले में क्या कह रहा है, तीसरे वाले में कह रहा है वो आपके पास ए इंटरसेक्ट ऑफ बी, ए इंटरसेक्ट ऑफ बी की बात कह रहा है, तो देखो पहले वाले में क्या कह रहा है वो कि 3 के गुणज है यानी 3 6 9 है और ये 6 से कम है, तो देखो 3 ही कॉमन आ, 3 का गुणज है 3 6 हो जाएगा, 6 से कम है 1 3 5, तो उनमें से केवल 1 3 ही कॉमन आने वाला है, तो इसका आंसर होगा 3 ठीक है। अब मैं फोर्थ वाले की बात कर लेता हूँ, फोर्थ वाला क्या कह रहा है भाई, फोर्थ वाला सेम पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें एक साथ लिख रहे थे, इसमें निकाल के लिखना है दोनों में, फोर्थ
फोर्थ वाला कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी है और पांच से छोटी है, तो एक से बड़ी है दो तीन चार पांच होगा भाई, एक से बड़ी है तो दो तीन चार पांच होगा। और यहाँ बी कह रहा है कि पांच से बड़ी है छह से छोटी है, तो इनमें क्या आने वाला है दोनों में भाई, बता सकता है कोई? पांच से बड़ी है, देखो यहाँ कह रहा है कि एक से बड़ी है और पांच से छोटी, और सॉरी एक से बड़ी है और छह से छोटी और छह के बराबर, ठीक है, तो यहाँ आएगा दो तीन चार पांच, दो तीन चार देखो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर रहा हूँ। इसके इस कंडीशन को देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, छह से बड़ी है और दस से छोटी है, यानी छह से बड़ी सात होगा, सात आठ नौ, तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप फाइव लेंगे, क्या लेंगे, फाइव होगा, क्या होगा फाइव, क्लियर। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लें, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक एलिमेंट ये है तो इन दोनों से हमें कॉमन लेना, क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो भैया इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा फाइव, क्योंकि कोई भी नंबर इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर इसमें से अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास पांच क्वेश्चन थे, अभी देख लेते हैं ये छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है जो मैं ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन आएंगे, देखें ए यूनियन ऑफ सॉरी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए हमारे पास ये है, ठीक है, और बी हमारे पास ये है, भाई क्या आ रहा है, और वही आपका आंसर है, देखें सेवन नाइन, सेवन नाइन इलेवन, दैट इज आंसर, क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नाइन्थ वाले आपको खुद करने, जो नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, देन मैं उसे सॉल्व करूंगा। अगर वहां पर भी आपके कोई अगर कमेंट नहीं शो और होती है या मैं कारणवश देख नहीं पाता हूं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे जो है भेज सकते हैं, वहां से मैं आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को दे दूंगा, ठीक है। तो देखें यहां पर मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं, देखें ए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है और इंटरसेक्शन बी दो चीजें हैं, तो पहले तो बी यूनियन सी देख लीजिए आप भाई, बी यूनियन सी कहाँ है, बी यूनियन सी ये रहा, तो और ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास जो आया वो था ये पहले सेवन नाइन इलेवन, क्लियर। अब इंटरसेक्टिंग बी, अब बी यूनियन सी देख लीजिए, बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन, ठीक है, सी है हमारे पास फिफ्टीन, ये आपका रहेगा सी। अब इन दोनों से कॉमन देखेंगे तो कॉमन होगा आपके पास सेवन नाइन इलेवन, इलेवन है क्या, इलेवन है भाई, इलेवन है, तो बी यूनियन सी में आपका इलेवन है, ये इलेवन है भाई, इलेवन, ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, देन मैं उसका आपको आंसर तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये हमने कुछ छह क्वेश्चंस लिए थे इस वीडियो में, अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करता तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाती, और वीडियो लंबी होने का जो है कारण जो है फिर आप डिस्टर्ब होते कि सर इतना लंबा लेक्चर जो है ऑनलाइन लिया है। तो अगर ज़्यादा विशेष तरीके से एडवांस लेवल पर आपको पढ़ना है तो मेरी ऐप पर भी जा सकते हैं, वहाँ आपको फ्री कोर्स मिलेगा, और यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मेरे छोटी छोटी वीडियोज के साथ आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे मैं आपको आपके सब्जेक्ट पर बेहतर कमांड करा, ठीक है। ये वही हमारा चैनल एसके स्टडी पॉइंट मथुरा के नाम से है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे हाँ एक और चीज़ विशेष बात, आप टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसके जरिए से आपको प्रीवियस वीडियो मिल सकें, सारी की सारी वीडियो की प्रीवियस वीडियो मुझे मेरी आप वहाँ पर टेलीग्राम पर ले सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू फॉर